है, आज आपने इस चुनाव को इस रैली में पधार के जो ये दबाव उनके डाला जा रहा था, जो उन्हें तानाशाही दिखाई जा रही थी कि हम दबे कुचले लोग हैं, साबित कर दिया कि आप लोग हमारे फूट में हैं। और ये आप लोग 2023 के चुनाव में वोटिंग बटन से दिखाया जाएगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण मध्य प्रदेश में आएगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप पूछे कि आरोप किस बात का है, आप आरोप से उन तमाम झूठे वादों का, उन तमाम भ्रष्टाचार का, उन तमाम ठगी का जो आपने हमसे करी, झूठे वादे करके आंखों में घड़ियाल आंसू लाके हमसे वोट ले गए, और जब काम की बात आई तो बोले हमने कब बोला था। अरुण भैया जी, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, यहाँ के नेताजी के ऊपर उन्होंने हमसे रोड़ों के वोट ले ली और झोली फैला फैला कर वोट ले ली घर का विधायक बना दी। आपका विकास होगा, आप कहाँ ले जाएंगे, कहाँ झोल दूंगा। कहीं ना कहीं हम पिछड़ेपन में आ गए, हमारा बिजाव का विकास रुक गया। 11 महीनों की सरकार है, कमलनाथ जी ने फोन से घोषणा कर दी, आपके कहने पे रोक दे दिए, आपके कहने पे रोक दे दिए, पर आपका मन नहीं भरा क्योंकि आपकी जेब नहीं भरी थी। और आपकी जेब क्या भरी, जब आप फिक्के हमारे माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराकर हमारी सारी जनता जनार्दन को छल लिया गया। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप आरोप लाए अपने अंदर, जो आरोप आपने आज यहाँ दिखाया है वो आरोप हमको वोटिंग बटन पर दिखाना है और इनको जवाब देना है कि हमसे आपसे हम नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपसे इसका इरादे किए गए हैं, आपसे कहीं बताना चाहता हूँ, आपसे कई वादे किए गए और आपसे चढ़ावा किया गया। भाइयों, अगर इन्होंने थोड़ा भी आपका विकास किया होगा, मेरा इशारा है यहाँ के नेता जी का जो कहता है कि यहाँ कोई लड़ने लायक नहीं है, बिजाव बनाने वाले कोई भी प्यासी नहीं है। कुछ दिनों पहले की घटना है, मानिए एक इंटरव्यू में कह रहे थे के बिहार विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी जब चारों पांचों मिलकर आएंगे साथ में लड़ने, तब मुझे थोड़ा मजा आएगा। मैं उनको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अकेला मोनू कांग्रेस सिंह अगर कांग्रेस पार्टी में आ जाती है तो आंखों में पसीना आ जाएगा। जिन आंखों में पसीना लाके तुमने हमसे वोट चला, वो पसीना हम ला देंगे। और मेरे भाइयों, इनकी विदा भी वैसे ही गंगा है जैसे इनने नम आंखों से हमसे वोट ली थी, ये नम आंखों से ही बिजार बिजार के चौक वोट ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को एक बार आप चुने, आपका बिजार उन्नति की उन ऊंचाइयों पे उड़ेगा जहां छिंदवाड़ा हो रहा है, जहां भोपाल हो रहा है। हमारा बिजार अब ज्यादा कि पिछड़ा नहीं रहेगा क्योंकि फैसले की घड़ी आने वाली है और वोटिंग का बटन आपके हाथ में रहेगा, सरकार चुनने का हक आपके हाथ में रहेगा। मेरे भाइयों, मैं से इस विधानसभा और इस क्षेत्र की सेवा में लगे आए, मुझे चुनाव लड़ू या ना लड़ू कुछ भी हो जाए, आपकी सेवा में मैं और मेरा परिवार हमेशा समर्पित रहेगा और हमेशा आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। और मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले का एक और वक्त मैं बताना चाहता हूँ, एक जाति विशेष, एक समुदाय जो अपनी रोड के लिए, मांग के लिए धरने पे बैठा था क्योंकि उनके यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में तकलीफ आ रही थी, उनके यहाँ बच्चों को पढ़ाई लिखाई में तकलीफ आ रही थी, वहां सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी ने उन चंद लोगों को उन
जो भी जन समझा यहाँ मौजूद था गालियों से संबोधित किया, उनके सामने मौजूद थे मौलवी है। ये सरासर नाइंसाफी है, इसका जवाब हम और आपके 2023 के चुनाव में देना पड़ेगा। ऐलान गालियों सुनने के लिए आपका सपोर्ट नहीं दिया गया, हमने आपको अपना नेता बनाया था ताकि आप हमारे सांसों हमारा मान लो। इसी कड़ी में